राजस्थान में होने वाले चुनाव के पहले भाषण देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगाया कि पुरानी यूपीए सरकार ने आतंकवादियों को बहुत ढील दी थी। अजमल कसब के केस का संदर्भ करते हुए योगी जी ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया। जिन आतंकवादियों को कांग्रेस बिरयानी खिलाती थी, आज हम उन्हें गोली खिला रहे हैं। योगी जी एक पुरानी अफवाह का संदर्भ कर रहे थे कि कसब को जेल में मटन बिरयानी खिलाई गई थी, लेकिन इस अफवाह का सच 3 साल पहले मार्च 2015 में ही पता चल गया था, जब कसब के केस का सरकारी प्रोसिक्यूटर श्री उज्जवल निकम ने खुलासा किया था कि ये बिरयानी खिलाने की अफवाह इन्होंने खुद ही फैलाई थी। प्रोसिक्यूटर साहब ने साफ बताया कि ना कसब ने बिरयानी की मांग करी थी, ना उसको खिलाई गई थी। उन्होंने ये कहा, इस मामले की सुनवाई के दौरान कसब के पक्ष में आकार ले रहे भावुक माहौल को तोड़ने के लिए मैंने इसे गढ़ा। इस अफवाह का 2015 में स्पष्ट होने के बावजूद 3 साल बाद वही झूठा दावा योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक प्रचार में उपयोग किया है। कई मीडिया संगठनों ने योगी आदित्यनाथ के बयान की रिपोर्ट दी है, जैसे रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, एनडीटीवी, स्वराज्य और एएनआई। इनमें से टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, एनडीटीवी और स्वराज्य ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री निकम के स्पष्टीकरण बयान का अपनी रिपोर्ट्स में उल्लेख किया है। अगर कोई भी न्यूज रिपोर्ट, फॉरवर्ड या अफवाह आपको जज्बाती लगे तो कृपया उसकी जांच करें, जिम्मेदारी से शेयर करें, ताकि हम सब साथ मिलकर फेक न्यूज का सामना कर सकें। धन्यवाद।